सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे हाउ टू डू अ एल सिट ऑन अ ग्राउंड। तो ये पहला कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज मैं आपको सिखाऊंगा, एल सिट करना ग्राउंड में। तो चलिए, तो एल सिट ऑन अ ग्राउंड करना, बार में नहीं ग्राउंड में करना, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब बार से थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको अगर जिसमें कोर स्ट्रेंथ है तो ईजिली कर सकता है। जैसे अगर आपको प्लैंक कर लोगे आप 1 मिनट टू 1.5, और अपना आप कर सकते हो कम से कम 20 पुशअप, इससे 15 से 20 पुशअप, तो आप इजीली एक एल सिट होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बताऊंगा जैसे मैंने कैसे सीखा इसको। तो एटलीस्ट आपको हर दिन 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक प्लैंक होल्ड करना है हर दिन। तो अभी हम करके दिखाएंगे प्लैंक होल्ड, जो पहली रिक्वायरमेंट है एक एल सिट के लिए। अगर आपको करना है कम से कम एक मिनट का प्लैंक होल्ड आना चाहिए आपको, तो करके दिखाते हैं। अगर आपके कोर में स्ट्रेंथ आ गई है, आपने अगर प्लैंक होल्ड करना सीख गए हो एक मिनट का, तो उसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक जो मैंने सीखी थी एल सिट करते हुए। तो टेक्निक सीखूँ तो जो मैं करता हूँ, मेरा एल सिट ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये एडवांस आ रहा है क्योंकि मैं पूरे रिस्क के बल ऐसा होता है। लेकिन आपको सीखना है ये वाला, जो बिगनर्स लोग ये वाला करेंगे, इसमें फिंगर्स ऊपर रहेगी, जैसे आपको एक एलिवेट मिलेगा, एक हाइट मिलेगी जिससे आप कर सकते हो ईजिली। अगर आप ये करो तो उसमें आपको हाइट नहीं मिलेगी, आपको पूरा स्ट्रेंथ कोर के लगाने, पैर उठाने, लेकिन आपको थोड़ा एलिवेट चाहिए, थोड़ी हाइट चाहिए, जैसे आपका पैर खुद पर हो जाए। तो उसको करना कैसे है, जो मैंने सीखा था। तो बिगनर्स का जो एल सिट होता है ऐसे दिखता है, देखो उसमें क्या होता है, उसमें आपको हाइट मिलती है। आपको करना कैसे, देखो इसको ऐसे रखना है, जो रिस्ट है उसको ऐसे रखना, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना, आपको इतनी सी हाइट मिल जाए, इसमें हाइट नहीं मिलेगी, आपको इसमें हाइट मिलेगी। ऐसे रखा इसको स्ट्रेट, और जो आपका हाथ है ना रिस्ट, उसको ना यहाँ से उठेगा नहीं, यहाँ से उठाना, और आगे से भी नहीं उठेगा, जो आपका ये है पिछवाड़ा तो यहाँ से आपको रखना है। तो ये सिंपल, इसको लॉक करना है, ये पूरा ट्राइसेप ऐसे लॉक होंगे, और लॉक हुआ ऐसे नहीं, ऐसे कॉलिंग कर। तो देखा इसमें ज़्यादा हाइट नहीं, इसमें इसके बाद आपको हाइट, आपको एक अच्छी हाइट मिलती है, क्योंकि आपका इसकी बॉडी एलिवेट होती है। मेरे पीछे एक दोस्त खड़ा है, वो मेरा ही दोस्त है, तो मैं दिखाऊंगा आपको टेक्निक्स में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। चलो तो मैं दिखाऊंगा फॉल्ट क्या आ सकता है टेक्निक में। ऐसे कर दे, अरे यार आपसे कर दे। तो देखो पहली बात इसका जो हाथ ऐसे रख, ऐसे इसका जो हाथ है यहाँ पे नहीं रखना, थोड़ा ना जो इसके यहाँ पे इसके, हाँ थोड़ा सा तेरी बॉडी को ना पीछे ना आगे, और यूँ इसके बल करना है। अब इसकी अभी कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़राब है अभी, ये अच्छा मैं बस आपको बता रहा हूँ टेक्निक क्या होती है। और यहाँ रख के उठा दे, थोड़ा वा रुको, हाँ पास रख, हाथ पास रख, इसको यूँ रख, हल्का ट्रैक कर, उठा शिवम उठा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको आता नहीं है, इसको फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहा हूँ इसका, इसको उतना अच्छा आता नहीं, लेकिन फिर भी नाइस ट्राई। तो अब सिखाएंगे टेक्निक, ये सब बहुत होता है, उन्होंने सीखा तो नहीं है, लेकिन चलो मैंने इनको ले लिया है, आ रहे हैं सर वीडियो के लिए। तो टेक्निक है देखो, जो मैंने इसमें ऐसे रखो, पहले तो आप अगर ये आता है, ये जो ज़्यादा होल्ड होता है, ज़्यादा होल्ड होता है, ज़्यादा होल्ड अगर आपको आता है, जूता उतार लेना, मैंने उतारे नहीं है, इसको करके अगर ये आता तो अच्छी बात है, वरना सीख लो, वरना तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जो है, आपको शुरुआत में मुश्किल होगी, ऐसे रखो
जितना सके ना, और हल्का हल्का एक पैर से करो, दिख रहा है, एक पैर जमीन में एक पैर ऊपर। ये एक अच्छा स्टेप है, इससे क्या होगा आपकी बॉडी को आदत होगी कि कैसे एल्सिड रोकना है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स तो यही है, दो तीन स्टेप से ज़्यादा स्टेप नहीं, आपको बस अपने कोर में काम करना है। प्लैंक होल्ड करो जो आपको सिखाया है, टेक्निक पे देखो, टेक्निक पे ना इसको पीछे ना आगे, यहाँ पे एकदम इधर और एकदम लॉक करके। और तीसरा जो स्टेप था ये फ्लटर टाइप, ये करो, और जो हो मैक्सिमम आपको कोर की स्ट्रेंथ बढ़ानी, तो आप मतलब एब्स के एक्शन देखो, जैसे ये एक ये भी है बोल्ट होल्ड हो गया, इसको होल्ड कर लो, इससे भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसको बोलते हैं बोल्ट होल्ड, तो ये भी कर सकते हो आप। और देखो आखिर में काम करता है कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क, ये सब अगर आप एक दिन करोगे तो काम नहीं करेगा, आपको रोज़ करना पड़ेगा। और ये मूव सीखने के लिए, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये है बिगनर वाला मूव, एडवांस वाला मूव मैं सिखाया नहीं रहा, ये बिगनर है जो जिसमें ये आता है और ये एडवांस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको हाइट मिलती है, इसमें आपको हाइट नहीं मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस, देखना पैर की हाइट कितना डिफरेंस है, आप देखना। तो अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको जो बिगनर वाला है, तो हाइट देखना, डिफरेंस देखना पैर का कितना आ रहा है बिगनर वाला, ये बिगनर। तो हाइट देखो आप, हाइट की अच्छी खासी, आप देखना एडवांस वाला तो एडवांस में गए, एडवांस में ज़्यादा ताकत लगती है पेट में और पैर को उठाने के लिए। बिगनर में क्या होता है, हाइट होती है तो आपका पैर खुद उठता है क्योंकि आपको इतनी हाइट मिल गई है, एडवांस में आपका पैर उठता नहीं है, उठाना पड़ता है, कोर सेंस होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया, टेक्निक्स या कुछ भी लॉन्डो का वर्कआउट पसंद आया, अगर आपको लॉन्डो ने किया था भी वर्कआउट, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपको अगली वीडियो क्या चाहिए। और आपको एडवांस अगर सीखना है तो कमेंट करिए, वो डालेंगे वीडियो जल्द ही। तो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो, बाय। तो एल्सिड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सोचते हैं, क्योंकि तो इनको यह क्या